album. दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी बॉय चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2021 की भर्ती में मैं आपको पूरी बताऊंगा कब से कब तक है, अप्रैल महीने से लेकर सितंबर महीने तक रिलेशन भर्ती बताऊंगा कब से कब तक है, और जो ये अभी जनवरी से लेकर जो अप्रैल तक हुई है तो भर्ती ख़त्म हो चुकी है रिलेशन की। जो आई थी आपकी दिसंबर में आई थी आरटी सेंटर हैदराबाद की, वो तो ख़त्म हो गई। फिर जनवरी में भी आई थी कोई, फिर फरवरी में आपकी एडी सेंटर आ गई थी, फिर ये अप्रैल में आपकी आई थी आरटी नासिक जो कि पूरा बवाल कर दिया था आप लोग ने सेंटर पर, जो कि भर्ती एक जिसको एक तारीख को थी उसको चार तारीख को करा दी गई, जिसकी दो तारीख को उसकी आधे बच्चे तो रनिंग भी नहीं किए ऐसे चले गए सब। ये बहुत गलत बात है। यूपी वाले भीड़ ज़्यादा हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन सबकी भर्ती हो चुकी है अभी ख़त्म। तो मैं आपको बता दूँ आरटी सेंटर में बहुत हंगामा कर दिया था, तो फिर क्योंकि एक दिन जो भर्ती चलने वाली थी वो चार दिन चली, आधे बच्चों को लिया आधे को चांस ही नहीं मिला, आधे चले गए घर। तो मैं आपको छोड़िए सब बता रहा हूँ मैं आपको, फिर भर्ती आपको मई अरे अप्रैल से लेकर सितंबर तक की पूरी भर्ती बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊँगा, बस महीना बताऊँगा कन्फर्म है, लेकिन इस महीने में तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों कोई फेक बताऊँगा नहीं, अगर नहीं आई तो मेरे को कमेंट में बताना, और मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कौन से सेंटर में कब भर्ती है। तो पहले बता रहा हूँ मैं आपको, जो ये आरटी सेंटर नासिक की भर्ती थी ये 2021 की नहीं थी, वो 2020 की थी, कैंसिल होकर 2021 में हुई कि कोरोना के चलते। तो फिर ये बता दूँ आरटी सेंटर जो नासिक वाली वो आएगी 2021 में, कन्फर्म है ये। और मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, पहले देखिए राजरीफ सेंटर की भर्ती आएगी आपकी अप्रैल से लेकर मई महीने में, अप्रैल या मई में आएगी लास्ट वीक तक आपको कहा जा रहा है कि मई में आएगी, मई के सेकेंड वीक लास्ट वीक तक आएगी, कन्फर्म है ये। फिर मैं आपको बता दूं कि एमी सेंटर भोपाल जो कि हुआ था अभी भोपाल में हुआ था जो भर्ती, ये शायद मार्च में हुआ था, फिर इसकी भर्ती आ रही है 3 एमी सेंटर भोपाल, इसको जून में है, इसकी भर्ती जून में है। पहले बता रहा हूँ राजरीफ रेजिमेंट सेंटर की भर्ती मई में है, ये 3 एमी सेंटर भोपाल की भर्ती जून 15 को है, डेट जो आई है मेरे को पता चला है वो बता रहा हूँ मैं आपको। फिर देखिए आपकी एमी फर्स्ट एमी सेंटर सिकंदराबाद जो कि एमी सेंटर है, लेकिन इसका सेंटर सिकंदराबाद में है, इसकी भर्ती है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, सितंबर से अक्टूबर के महीने में आएगी ये, कन्फर्म है, ध्यान से सुनिएगा। और फिर जाके आरटी सेंटर हैदराबाद की भर्ती तो अभी हो चुकी थी, तो इसकी तो अभी तो मैं आपको तभी बता रहा हूँ कि इसकी भर्ती नवंबर से लेकर दिसंबर में आएगी आरटी सेंटर हैदराबाद की, जो कि इस बार 2020 में आई थी, नवंबर से लेकर दिसंबर तक हैदराबाद की भर्ती आएगी आरटी सेंटर नासिक का मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी हुई थी, तो इसका मेरे को अभी कोई खबर नहीं है, आते ही मैं आपको जल्दी बताऊंगा। फिर देखिए पंजाब रेजिमेंट सेंटर, इसका सेंटर तो इधर है ये झारखंड में, इसको रामगढ़ में शायद है इसकी सेंटर, तो इसकी भर्ती आएगी मई में आएगी, याद रखिएगा पंजाब रेजिमेंट सेंटर की भर्ती मई में आएगी। और फर्स्ट सिग्नल एसटीसी सिग्नल जो है इसका सेंटर, उसकी भर्ती जून जुलाई में आएगी, जून या जुलाई में। और सेकंड सिग्नल वाली जो एसटीसी है गोवा में जो है सिग्नल का सेंटर, वो जुलाई में आ सकती है, दिसंबर में बोल रहा है ऐसे चार्ट में लिखा हुआ है, तो हमको मैं जल्दी बता देता हूँ। और देखिए जाट रेजिमेंट सेंटर की भर्ती मई में कन्फर्म है, और जाट रेजिमेंट सेंटर मई में है। कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर अप्रैल में बता रहा है, यही अप्रैल को लास्ट वीक तक बता रहा है। और एडी सेंटर जो कि हुई थी फरवरी में भर्ती हुई थी, इसकी फिर आ रही है भर्ती जून के लास्ट वीक में, ये कन्फर्म है जून की लास्ट वीक में। और एमसी सेंटर लखनऊ की भर्ती भी जून जुलाई में बता रहा है, ये भी जून जुलाई तक आई जाएगी। एओसी सेंटर सिकंदराबाद की भर्ती देखिए मई बता रहा है, मई में आएगी एओसी सिकंदराबाद जो आई थी इस बार भी। और फिर आर्मर सेंटर जो अगस्त में इसकी भर्ती है, और महार रेजिमेंट सेंटर जो सागर है सितंबर में इसकी भर्ती है। तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि कब से कब, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी बोल रहा हूँ मैं। तो देखिए राजरीफ सेंटर इसकी भर्ती आएगी मई में, कन्फर्म है मई में। और 3 एमी सेंटर की भोपाल जो है उसकी 15 को आएगी, जून 15 को, इसी साल का बात कर रहा हूँ 2021 का। और फिर इसका एक और एमी सेंटर 1 एमी सेंटर सिकंदराबाद, उसकी भर्ती आएगी सितंबर में। और आरटी सेंटर हैदराबाद में आपको बताया था कि नवंबर दिसंबर में इसका, और नासिक का मेरे को पता नहीं है क्योंकि अभी भर्ती आ चुकी थी, तो फिर अब देखो। और फिर पंजाब रेजिमेंट सेंटर की मई में आएगी,
फर्स्ट सिग्नल वाली एसटीसी जबलपुर जो है उसकी जून जुलाई में आ सकती है, और सेकेंड एसटीसी गोवा की उसकी भी जुलाई दिसंबर में आएगी। मेरे ख्याल से सिग्नल वाली जुलाई में आएगी। मैं ये कोई फेक हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सही आएगी, इतने डेट तक आएगी, कन्फर्म है। ये मत सोचिए कि फेक बता रहा है। और उसके बाद देखिए जाट रेजिमेंट सेंटर, इसकी भर्ती मई महीने में बता रहा है, और कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर अप्रैल में लास्ट वीक तक बता रहा है। एडी सेंटर तो अब जून लास्ट वीक कंफर्म बता रहा हूँ मैं, एडी सेंटर में आने वाली भर्ती जून तक। एएमसी सेंटर जो कि लखनऊ में है उसकी जून जुलाई में आ सकती है भर्ती, और एओसी सेंटर सिकंदराबाद इसके मई सेकेंड वीक में आएगी बता रहा है, और आमा सेंटर अगस्त में, और महा रेजिमेंट जो सेंटर है वो सागर में है तो सितंबर में भर्ती आएगी। तो दोस्तों मैं जो जितने बताया मैं समझ नहीं आया तो मैं इसको आपके सामने एक चार्ट रख दूंगा, अगर फेक लगे तो बता दीजिएगा, अगर इसमें कोई फेक बताने वाली बात नहीं है, सब सब सही बताऊंगा जो महीना है, बस डेट इधर उधर, डेट मैंने आपको बताया नहीं, उस महीना आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये बिल्कुल फेक नहीं है, जो 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 चार्ट है एकदम सही चार्ट है, बस इधर से उधर हो सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद दोस्तों।